तो दोस्तों आज हमारे पास दो फोन है वो भी सेम ब्रांड के। एक तरफ है वीवो का T3 अल्ट्रा और दूसरी तरफ है हमारे पास वीवो का V40। और ये दोनों फोन्स ना मतलब इतनी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि ये वाला लिया जाए परफॉर्मेंस के लिए और कैमरा के लिए, या फिर ये वाला लिया जाए सिर्फ कैमरा के लिए। तो यहाँ पर ना आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों फोन्स में से कौन सा फोन बेटर स्पेक्स इवन यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल के देता है और किसका कैमरा ज्यादा बेटर है। वैसे मैं इन दोनों फोन्स को लगभग एक महीने से ज्यादा यूज कर चुका हूँ, मुझे दोनों फोन्स बढ़िया लगे, लेकिन हाँ कुछ चीजों में भाई ये फोन आगे निकल जाता है, कुछ चीजों में ये भी फोन बेटर है। आज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ना दोनों फोन्स आपको ग्लास बिल्ड के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है V40 सीरीज के अंदर और ना अलग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर Vivo की ब्रांडिंग वगैरह। बाकी जो डिजाइन फैक्टर है वो दोनों फोन्स का लगभग सेम है, लेकिन हाँ Vivo T3 अल्ट्रा के अंदर आपको जो ग्लास मिलता है ना ये फ्रॉस्टेड ग्लास मिलता है। तो काफी लोगों को लग सकता है कि ये प्लास्टिक है या फिर कुछ ऐसा मटेरियल यूज कर रखा है प्लास्टिक टाइप। और हाँ बता दूं यहाँ पर दोनों के जो फ्रेम्स है ये प्लास्टिक के मिल जाते हैं आपको। दोनों फोन्स का जो हैंड फील है ना वो काफी सिमिलर है, मतलब अगर आप वेट वगैरह भी चेक करोगे दोनों फोन्स के लगभग आपको सेम देखने मिलेंगे और पता नहीं लगता कि भाई आपने V40 पकड़ा हुआ या फिर T3 अल्ट्रा पकड़ा हुआ, ये काफी सेम आपको सिमिलर चीजें मिल जाएंगी। इवन दोनों फोन्स के जो पोर्ट्स और बटन्स है ना भाई वो भी आपको लगभग सेम ही मिल जाते हैं। एंड यस दोनों फोन्स IP68 वाटर रेटिंग के साथ भी आते हैं, तो आप पानी के अंदर भी शूट वगैरह कर सकते हो या फिर बारिश वगैरह में भी फोन को ले जाते हो, कोई दिक्कत। और इसके अलावा भी ना अगर आप और भी चीजें देखोगे ना या फिर नोटिस करोगे तो दोनों फोन्स में लगभग सेम मिलेंगी। चाहे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, जहां पर आपको सेम साइज की डिस्प्ले 6.78 इंचेस की 120Hz, साथ में यहां पर आपको HDR का सपोर्ट और 4500 की पीक ब्राइटनेस का दोनों डिस्प्ले मिल जाते हैं। अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हो भाई 4K HDR में भी प्ले कर सकते हो, ये दोनों फीचर आपको सेम मिल जाते हैं। आउटडोर में अगर आप ब्राइटनेस टेस्ट कर रहे हो वहां पर भी आपको सेम देखने मिलते हैं दोनों फोन्स। लेकिन जो असली डिफरेंस है ना इन दोनों फोन्स के बारे में भाई उसकी बात कर लेते हैं, कहां-कहां आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, चलो उसकी बात करते हैं। एंड यस एक चीज और, अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी फोन से भी वीडियो देख रहे हो तो भाई पहले ना कमेंट कर दो कि भाई मैं इस फोन से देख रहा हूं, ताकि और लोगों को भी अंदाजा लग जाए, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है या फिर कुछ दिक्कत है तो बता सको आप भी और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो यहां पर जो प्रोसेसर आता हुआ था Snapdragon 7 Gen 3, अब ये जो प्रोसेसर है LPDDR4X RAM साथ में UFS 2.2 के साथ आता है। वहीं अगर आप T3 अल्ट्रा पे नजर मारोगे तो फार बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है। यहाँ पर आपको MediaTek का 9200 प्लस प्रोसेसर आता है, LPDDR5X RAM के साथ आता है, साथ में UFS 3.1। अब ये जो सारे स्पेक्स है ना ये V40 Pro वाले आपको देखने मिलते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। इवन यहाँ पर हमने सारे जो नंबर्स वगैरह होते हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो CPU थ्रॉटलिंग या फिर Geekbench के स्कोर हमने सब कुछ टेस्ट कराया और वहां पर अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना भाई T3 अल्ट्रा फार बेटर है V40 सीरीज से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जब इतना बेटर है लेकिन गेमिंग के अंदर फिर भी भाई ये 60fps पे अभी तक टिका हुआ है। यहाँ पर हमने टेस्ट वगैरह करके देखा भाई अभी भी यहाँ पर आपको स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है, ना तो एक्सट्रीम प्लस का है ना फिर 90fps का जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर देखने मिलता है। बाकी गेमिंग वगैरह करते हो दोनों फोन्स के अंदर भाई कैपेबिलिटी है, 60fps पे आराम से गेमिंग कर सकते हो। और हाँ काफी लोग क्वेश्चन इवन कमेंट्स थे लास्ट वीडियो में कि भाई ये फोन हीट बहुत करता है। भाई दोनों फोन्स मैंने बहुत देर तक गेमिंग प्ले करके देखी, BGMI भी और हाई ब्राइटनेस पे भाई दोनों फोन्स में ऐसा कोई हीटिंग का इशू नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई बहुत हीट कर रहा है 40-42-45 डिग्री के आसपास हल्का फुल्का वार्म होता है फोन, और वो डेफिनेटली भाई ज्यादातर फोन हो ही जाते हैं। और MediaTek का प्रोसेसर है, मुझे लगता है कि इतना वार्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर अगर 36-37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है वो कोई बिग इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है तो वो हीट नहीं कर रहा, भाई वहां पर भी आपको हल्का फुल्का वार्म दिखाई देता है। अब कौन से सिनेरियो में ये दोनों फोन हीट कर जाते हैं या फिर ज्यादा गर्म हो जाते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आप CPU थ्रॉटलिंग वगैरह टेस्ट कर रहे हो तो वहां पर डेफिनेटली बोलूंगा भाई 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है, 38-39-40 डिग्री के आसपास दोनों का टेम्परेचर पहुंच सकता है, या फिर आप आउटडोर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो 4K वगैरह शूट कर रहे हो डेफिनेटली भाई फोन हीट होते हैं। लेकिन ये दोनों ना एकदम रेयर सिनेरियो है जहां पर ना मतलब तुम रेगुलर तो जाओगे नहीं आउटडोर में शूट करने, ना ही रोज रोज CPU थ्रॉटलिंग करोगे। तो ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई फोन हीट कर रहा है फिर नहीं कर रहा। भाई रेगुलर अगर आप यूज कर रहे हो गेम वगैरह खेल रहे हो या फिर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो ऐप चला रहे हो इंस्टाग्राम चला रहे हो फोन हीट नहीं होता, चाहे मैं इसकी बात करूं या फिर इसकी बात करूं। इवन दोनों फोन्स को हमने 10 मिनट के लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके देखी जहां पर यही माहौल है, मतलब टेम्परेचर यही है कुछ 30 डिग्री के आसपास, तो भाई फोन की जो टेम्परेचर है उसमें कोई इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब ये भी 37-38 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अगला फर्क है ना या फिर अगला जो चेंज है ना वो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि भाई दोनों फोन्स में एक बड़ा चेंज ला सकता है। लेकिन अगर मैं कैमरा की बात करूं तो दोनों फोन्स में हाँ स्पेक्स वाइज चेंजेस हैं और किसी फोन्स में थोड़ी सी बेटर है, किसी फोन्स में थोड़ी सी बेटर फोटोज आते हैं, चलो उसकी बात करते हैं डिटेल के साथ और क्या आपको बड़े चेंजेस मिलेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो भाई पीछे की तरफ आपको Vivo T3 Ultra में 50+8 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेटअप है वो देखने मिलता है, यानी कि 50
का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जबकि यहां पर आपको 50 प्लस में 50 मेगापिक्सल का दोनों सेंसर मिलते हैं और फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल मिलते हैं, सेल्फी यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल की मिल जाती है। लेकिन रियल सिनेरियोस के अंदर जब हमने फोटोज क्लिक करी, जहां पर हमने लो लाइट के अंदर फोटोज हो या फिर नॉर्मल फोटोज हो या फिर इस तरह की बढ़िया कंडीशन के अंदर जहां पर हमने लाइट्स वगैरह ऑन कर रखी वहां पर फोटोज हो, उसकी बात करते हैं। जैसे कि हमने एक फोटो यहां पर क्लिक करी और यहां पर आप देखोगे भाई T3 अल्ट्रा की जो फोटो ना ज्यादा बेटर नजर आ रही है, जहां पर आपको कलर्स अच्छे नजर आ रहे हैं और मैं कहूंगा कि अच्छे से इसने एक्सपोज भी कर रहा है, यहां पर आपको डल इमेजेस कम लग रही है, जबकि अगर B40 की बात करो तो थोड़ी सी डल इमेज या फिर कलर फेड नजर आते हैं। अगली जो फोटो लैंप की हमने क्लिक करी और यहां पर भी यही चीज आपको देखने मिलेगी, वैसे 19-20 का फर्क है लेकिन हल्के फुल्के जो कलर्स हैं उसमें डिफरेंस मिलेगा। वहीं अगर आप इसी फोटो को अल्ट्रा वाइड में क्लिक करते हो तो यहां पर आपको डिफरेंस ये देखने मिलेगा कि V40 के अंदर आप बढ़िया जो डिटेल्स है ना वो जूम करने के बाद भी दिखाई देते हैं, जबकि यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है T3 के अंदर तो उतनी डिटेल्स नहीं नजर आती, लेकिन कलर्स ज्यादा पॉपी और पॉप आउट नजर आते हैं T3 के अंदर। वहीं अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करो तो यहां पर भी आपको थोड़े से चेंजेस देखने मिलेंगे। V40 के अंदर ना आपको थोड़ी सी मैं कहूंगा ज्यादा डिटेल या फिर जो कलर्स हैं थोड़े से पॉपी नजर आते हैं, जबकि अगर आप T3 अल्ट्रा की बात करो तो यहां पर आपको नियर टू नेचुरल आते हैं। दोनों में ना मैं कहूंगा कि मुझे V40 की सेल्फी ज्यादा बेटर नजर आ रही है और रियर कैमरा की बात करूं तो मुझे T3 अल्ट्रा का ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद भी हमने कुछ फोटोज क्लिक करी है जहां पर आपको मोटा मोटा जो फर्क है ना वो देखने को मिल जाएगा कि कलर्स का जो फर्क है ना वो देखने को मिलता है। बाकी अगर आप वाइड एंगल फोटो ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली भाई आपको V40 के अंदर ज्यादा बढ़िया डिटेल्स हैं वो नजर आएंगे। कलर्स के मामले में थोड़ा सा पीछे जरूर आता है T3 अल्ट्रा से, लेकिन डिटेल ज्यादा नजर आती है। लेकिन वीडियोस के अंदर भाई एकदम सीन बदल जाता है, क्योंकि T3 अल्ट्रा के अंदर ना आप बोके वीडियो या फिर बोलूंगा सिनेमैटिक टाइप वीडियो भी बना सकते हो 1080p 24fps पे, जहां पर आप अपने हिसाब से बोके को चेंज वगैरह भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहां पर 4K 60fps में दोनों कैमरा से रिकॉर्ड करते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। केपेबल है इसका जो प्रोसेसर है, जबकि यहां पर ना मतलब प्रोसेसर अच्छा है लेकिन ये चीज ना आपको कैमराज में मिलती है 4K 30fps रियर से और सामने से आप 1080p 60fps में रिकॉर्ड कर पाओगे। इवन फ्रंट कैमराज में 4K 30fps रिकॉर्ड कर पाओगे, बाकी यहां पर कोई बोके का इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कमेंट्स काफी सारे आए थे T3 अल्ट्रा को लेकर कि इस फोन की जो बैटरी है ना बहुत कम चल रही है, हीटिंग की प्रॉब्लम है, साथ में भाई सिर्फ 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास ही एसओटी टाइम मिल पा रहा है। अच्छा, लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में भाई काफी लोगों को क्वेश्चन ये थे कि भाई इस फोन की जो बैटरी लाइफ है ना बहुत वर्स्ट है, यहाँ पर सिर्फ 6 घंटे 6.5 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है। और ना मैं बताऊं भाई, मैंने ना लास्ट वीडियो में प्रूव भी करके दिखाया था कि कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, बताया भी था, लेकिन फिर भी भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो हर हैंडसेट की ना मतलब मैं कहूंगा कि डिफरेंसेस हो सकते हैं और इसमें अलग हो सकता है, हो सकता है आपके जो डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोग खरीदना चाहते हैं, भाई यहां पर ना हमने दोनों फोन एक साथ टेस्ट करके देखे और एक ही चीज दोनों के अंदर रन करके देखी। स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे भाई मैंने यूट्यूब चलाया, BGMI चलाया है, तो स्कोर टेस्ट करें और दोनों में लगभग सेम टाइम मैंने परफॉर्म करा है, वो भी ब्राइटनेस को फुल रख के। और यहां पर आप ना नोटिस करोगे कि भाई इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पर लगभग 9 घंटे 9.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिला होगा। साथ में अभी भी इसके अंदर बैटरी ज्यादा बची हुई है वीवो के V40 से। और देखो ये डिफरेंस पता क्यों आता है, ये आता है इसके प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि यहां पर ना आपको मच बेटर जो प्रोसेसर है ना वो मिल रहा है, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर मिल रहा है, तो यहां पर आपको एसओटी टाइम भी ज्यादा देखने को मिलेगा। आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा आपको एसओटी टाइम देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। बट यस, एंड्रॉइड और ओएस अपडेट के अंदर भाई V40 आपको ज्यादा बेटर नजर आएगा, ज्यादा बढ़िया फीचर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पर आपको वैसे तो दोनों फोन के अंदर एंड्रॉइड 14 आता है, फन टच ओएस का सपोर्ट आता है, लेकिन अगर ओएस अपडेट्स की बात करूं तो यहां पर आपको 3+4 ईयर्स के ओएस अपडेट मिलेंगे, जबकि यहां पर आपको 2+3 ईयर्स के ओएस अपडेट मिलेंगे। अब डेफिनेटली भाई मुझे लगता है कि दोनों के अंदर सेम होने चाहिए थे, लेकिन यस प्राइस का भी फर्क है तो भाई जरूर करेंगे वीवो वाले, वरना भाई इस फोन की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। बाकी दोनों फोन के अंदर एड वगैरह आती है, ब्लोटवेयर आपको भर भर के देखने को मिलते हैं और सेम ही आपको ओएस मिलता है, तो हाँ एक जैसे ही काम करते हैं लगभग दोनों फोन। लेकिन अगर बात करोगे कॉल रिकॉर्डिंग की, काफी लोगों ने पूछा मुझसे भाई दोनों फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना किसी अनाउंसमेंट के, बट इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन है कि भाई कोई गेमिंग फोन लेना है जिसके अंदर भाई 90fps वाली गेमिंग कर पाए, तो ये दोनों फोन आपको स्किप करने पड़ेंगे। आप जा सकते हो पोको के F6 की तरफ, जो भी 25-26 हजार रुपए का मिल रहा है, ऑफर्स के साथ आपको मिलेगा 24,500 रुपए का, या फिर रियलमी GT60 की तरफ भी जा सकते हो जो 30,000 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है, कुछ 28,000-28,500 के आसपास, वहां पर भी आप 90fps पे गेमिंग कर पाओगे। शुरुआत में जब वो फोन आया था तो वहां पर भी आपको 60fps वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब उसके अंदर आपको 90fps वाला जो वो ओपन हो चुका है। और डेफिनेटली भाई T3 अल्ट्रा के अंदर और फ्यूचर के अंदर भाई 60fps की जगह 90fps आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं वो ऑप्शन। अब बात करते हैं कि दोनों फोन्स में से लेना कौन सा प्रेफर करना चाहिए। देखो मैं
सीरियसली बताऊं, मेरे को ना T3 अल्ट्रा ज्यादा बेटर लग रहा है, ज्यादा बेटर डील लग रही है, जहां पर आपको सेम बैटरी मिले लेकिन परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा बढ़िया लग रही है। कैमरा आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर, अगर आप अल्ट्रा वाइड यूज नहीं करते हो ना ज्यादा, मैं कहूंगा भाई ये फोन ज्यादा बढ़िया आपको फोटोज निकाल के दे रहा है। वीडियो के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया आउटपुट मिल रहा है, जहां पर आप 4K 60fps दोनों पे रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ में वोके का इफेक्ट मिल रहा है और प्राइसिंग भी इस फोन की काफी कम है। मतलब इस फोन की रिगार्डिंग अगर आप देखो 8 128GB वाला जो वेरिएंट है ना, आप 31,999 रुपए में ले सकते हो, साथ में ऑफर लगाते हो तो 28,999 रुपए के अंदर ये फोन ले सकते हो। जबकि यहाँ पर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पर 35,000 रुपए का फोन है, ऑफर वगैरह लगाने के बाद 31,999 रुपए का ये फोन मिलेगा और ये फोन भी ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में कंपेरिजन चाहते हो तो भाई डेफिनेटली मैं कहूंगा T3 अल्ट्रा बेटर ऑप्शन है इन दोनों फोन में से। तो वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे बताना कि भाई आप दोनों में से कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपको ना इन दोनों फोन में से किस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई वो भी आप पुट कर सकते हो कमेंट बॉक्स। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।